और ऊपर एक सुरंग देख पा रहे होंगे, सुरंग दिखाइए। जब डाकू सुल्ताना हुआ करता था, उसके सैनिक यहाँ से रस्ती से आते थे, ऊपर चढ़ा करते थे। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं किले के अंदर। ये मेरे पीछे गुफा दिख रहा है, अरे कितनी गहरी गुफा दिख रही है, आपको दिखाते हैं पास से चलकर। नमस्कार दोस्तों, मनोज सैनी एक्सप्लोर में आप सभी का एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के नजियाबाद में, और आज हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लोर कराने वाले हैं नजियाबाद का तो फेमस किला डाकू सुल्ताना का किला। जो डाकू सुल्ताना जो था, इस किले के अंदर रहता था, अंग्रेजों का खजाना लूटकर इस किले में छुपाता था, और इस किले की हम आपको पूरी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहना। दोस्तों इस किले का निर्माण हुआ था सन 1755 ईस्वी में, और नजियाबाद के जो नवाब थे नजीब उद्दल खान, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था, और उसके बाद डाकू सुल्ताना ने इस पर कब्जा कर लिया था। और आपको किले के अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे पूरा इसके अंदर का स्ट्रक्चर, और इसकी कहानी क्या है वो आपको पूरी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और तो वीडियो में बने रहना, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और ये देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ किले के अंदर। ये दूर दूर तक आप तो दीवार तो देख रहे होंगे, मेरे पीछे दीवार, ये पूरी जगह थी नजियाबाद की, जो नजीबुद्दौला खान जो थे उनकी थी जगह ये, और उन्होंने ही ये किले का निर्माण किया था। मेरे पीछे देख सकते हैं, वो इसका एंट्री गेट है। बस तो नजियाबाद जो शहर है ये कोटद्वार से लगा हुआ है। चलिए दोस्तों आपको किले के अंदर लेकर चल। तो हेलो गाइस, देख सकते हैं हम डाकू सुल्ताना किले के पास आ चुके हैं। ये है इसका एंट्री गेट, और ये है इसकी दीवार, काफी दूर तक है दीवार इसकी। और ये देख सकते हैं ये बोर्ड, यहाँ लिखा है बिजनौर मेरठ मंडल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका स्वागत करता है। और यहाँ आसपास काफी पेड़ पौधे हैं, काफी ग्रीनरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और इस रोड से हम आए हैं, तो गाइस देख सकते हैं हम इसके एंट्री गेट के पास खड़े हैं, और इसका एंट्री गेट देख सकते हैं काफी मोटे पत्थरों से बना हुआ है। ये देख सकते हैं ये पत्थर, ये दिख रहा होगा आपको, काफी मजबूती से बना हुआ है इसका एंट्री गेट। और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके काफी सारे गुम्बद हैं, ये डिजाइन करके बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं इसके डिजाइन कितने खूबसूरत है, ये रहा है इसके गुम्बद जो दरवाजे की तरह दिखते हैं, आपको अंदर से भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कितने बड़े बड़े पत्थर भी आपको दिख रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक गुफा भी दिख रही है, छोटा सा यहाँ पर होल दिख रहा है, आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और ये है इसके गेट, ये छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ है इसका जो लेंटर होता है। ये मेरे पीछे गुफा दिख रहा है, अरे कितनी गहरी है फिलहाल गुफा दिख रही है, आपको दिखाते हैं पास से चलकर। मैं देख सकते हैं दोस्तों, ये है गुफा, इस गुफा में काफी अंधेरा है, अंदर सांप वगैरह यहाँ पर बिच्छू वगैरह हो सकते हैं, अंदर जाना थोड़ा अंदर जाना सही नहीं है दोस्तों, इसके अंदर इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते अंदर जाना, कुछ दिख नहीं रहा है इसके अंदर, काफी यहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा है। ये है रहस्यमय गुफा, देखिए दोस्तों ये है इसका गेट अंदर जाने के लिए,
जो इस समय बंद है, इस पर ताला लगा हुआ है। ये इसकी सीढ़ियां दे सकते हैं आप। दोस्तों डाकू सुल्तान के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं हम। डाकू सुल्तान का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक हरतला गांव में हुआ था, लेकिन अभी भी कई इतिहासकारों का मानना है कि डाकू सुल्ताना बिजनौर राज्य का रहने वाला था। वहीं कहा जाता है कि सुल्तान डाकू खुद को महाराणा प्रताप के खानदान का ही बताता था। 20वीं सदी के पूर्व में नजीबाबाद कोटद्वार क्षेत्र में सुल्तान डाकू का खोप था। कोटद्वार से लेकर बिजनौर यूपी और कुमाऊं तक उसका राज चलता था। बताया जाता है कि डाकू सुल्ताना लूटने से पहले अपने आने की सूचना देता था, उसके बाद लूट करता था। लगभग 400 साल पूर्व नजीबाबाद के नवाब नजीबुद्दौला ने किला बनवाया था, बाद में इस पर सुल्तान डाकू ने कब्जा कर लिया था। दोस्तों उस समय डाकू सुल्ताना ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। वह अंग्रेजों को लूटता था और अमीरों को भी लूटता था। उसको खजाना होता था वो गरीबों में बांटता था और कुछ अपने पास रखता था किले में छुपाकर। कहा जाता है कि सुल्तान डाकू यानी सुल्तान सिंह धूमतो बंजारे भातू समुदाय से ताल्लुक रखता था, एक साधारण इंसान था। उससे अंग्रेजी हुकूमत और धन्ना सेठ आतंकित थे। अंग्रेज सरकार ने पुलिस अधिकारी फ्रेडरिक यंग के नेतृत्व में सुल्तानों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया था। दिसंबर 1923 में नजीबाबाद के पास गिरफ्तार कर लिया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पर दीवार के पास आ चुके हैं। ये फोर्ट की दीवार है, काफ़ी दूर तक है। ये छोटा सा गेट आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। काफ़ी डरावना माहौल भी हो रहा है इसके अंदर से। आइए अंदर में दिखाइए, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा कूड़ा ही पड़ा है और ऊपर एक सुरंग देख पा रहे होंगे। सुरंग दिखाइए, जब डाकू सुल्ताना हुआ करता था उसके सैनिक यहाँ से रस्ती से आते थे, ऊपर चढ़ा करते थे। तो गाइस हम जा रहे हैं फोर्ट की छत पर और आपको दिखाएंगे सामने का या आसपास का व्यू। वीडियो बने रहे। दोस्तों हम आ गए फोर्ट के दूसरी साइड, ऊपर आपको लेकर चलेंगे इसकी टेरिस पर और दिखाएंगे ऊपर का व्यू। और ये देख सकते हैं ये रही इसकी टेरिस, वहाँ आपको लेकर चलेंगे। तो गाइस देख सकते हैं एक गुफा हमें और मिली है, यहाँ पर बच्चे अंदर जा रहे हैं, हम भी आपको अंदर लेकर चलेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कितना कूड़ा यहाँ पर डाल रहा है। लोग जाते हैं यहाँ पर खाते पीते हैं, कूड़ा डाल देते हैं। और यह है इसकी सुरंग, ये भी ऊपर जाने की है। यहाँ से भी डाकू सुल्ताना रस्सी से कूदता था। देख सकते हैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े पत्थरों से इसकी दीवार बनाई गई है। एक सीढ़ियाँ इधर से जा रही है ऊपर जाने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों फोर्ट के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ पर काफी पेड़ पौधे झाड़ियाँ उग हुई हैं और ये रहा सीढ़ियाँ ऊपर फोर्ट पे जाने के लिए। आपको ऊपर लेकर चलेंगे, दिखाएंगे ऊपर का भी। ये देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ जब मोटे मोटे पत्थरों से बनी हुई हैं, टूटने भी लगी हैं वैसे। और आपको ऊपर का नज़ारा भी दिखाएंगे। और ये देखिए सामने का व्यू काफ़ी सुंदर व्यू है। इसकी टेरिस पर आ चुके हैं। ये रही वो सुरंग जो कुएं जैसे दिखती है। यहाँ से डाकू सुल्ताना और इसकी सेना रस्सी से नीचे कूदती थी और यहीं से ये ऊपर आते थे। ये और आसपास का व्यू मेरे देख सकते हैं। ये पूरे फोर्ट की जगह और ये एक गेट आप देख सकते हैं जगह सामने। यहाँ पर कितना ग्रीनरी है, हर जगह हरी हरी घास यहाँ पर उग हुई है। ये काफी सारे यहाँ पर खजूरों के पेड़ आप देख सकते हैं और ये सामने पहाड़ दिख रहे हैं। इधर सामने ही कोटद्वार के पहाड़ आपको देखने को मिल जाते हैं, कोटद्वार और हरिद्वार के। कितना सुंदर व्यू है, बादल देख सकते हैं पहाड़ों से लगे हुए हैं। और ये रही फोर्ट की दीवार एक और ऊपर जाने के लिए, इसका रही दो गुंबद। यहाँ पर आसपास के जो स्थानीय लोग होते हैं क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए आपको दिख रहे होंगे।
ये है फोर्ट की दीवार। आप जो देख पा रहे होंगे काफी सारे यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर सुराख बनाए गए हैं। यहाँ पर डाकू सुल्ताना बंदूकों से फायर किया करता था अपनी सेना के साथ। काफी सारे यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको दीवार के अंदर गड्ढे जो बने हुए हैं, और इसकी फोर्ट की दीवार देख सकते हैं कितनी मोटी दीवार है इसकी। ये देखिए पीछे आप देख पा रहे होंगे यह इसका मेन गेट, जो इसका गेट है एंट्री गेट, उसकी ऊपर का गुम्बद है, ऊपर की सबसे ऊंची वाली मंजिल और दो गुम्बद आपको देख पा रहे होंगे ये। और यहाँ पर सीढ़ियाँ आप देख पा रहे होंगे ऊपर लेकर चलते हैं दिखाते हैं यहाँ पर। और इसका गेट है, यहाँ भी इसका गेट आप देख पा रहे होंगे यही बंद कर रखा है जिससे कोई अंदर ना जा सके। जो इसकी देख रेख करते हैं उन्होंने ही ये बंद करा है। तो गाइस देख सकते हैं ऊपर फोर्ट के ऊपर वाले हिस्से में आ चुके हैं। ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं पत्थरों से, मोटे मोटे पत्थरों से बनी हुई है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट बना हुआ है, इससे भी ताला लगा हुआ है। और ये फोर्ट की दीवार देख सकते हैं, इस पर दीवारों पर काफी लोग आते हैं, उन्होंने काफी कुछ लिख रखा है दीवारों पर। ये देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। यहाँ से अंदर ऊपर आने का रास्ता है ये सीढ़ियाँ, जो नीचे से आपने देखा होगा ताला लगा गया था। तो गाइस मैं किले की दीवार पर आ चुका हूँ, काफी मोटी दीवार है ये, देख सकते हैं मेरे पीछे। दोस्तों पूरे फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद हमें एक तालाब देखने को मिला। कहा जाता है कि डाकू सुल्ताना अंग्रेजों से खजाना लूटकर इस तालाब में डाल दिया करता था। कहा जाता है कि ये तालाब जो है 7 कुएं जितने घेरा है और सारा खजाना वो इसमें डाल लिया करता था। उस जमाने में डाकू सुल्ताना ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था, वो अंग्रेजों से खजाना लूटता था और गरीबों में बांटता था। तो गाइस ये है फोर्ट का दूसरा एंट्री गेट जिसको हम एक्सप्लोर कराएंगे, जा रहे हैं उसके पास और आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों हम फोर्ट के दूसरे एंट्री गेट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है मरम्मत का, देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी पड़ी है क्योंकि ये टूटने लगा है, इसकी मरम्मत का काम चल रहा है। और आपको पास लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं इसकी दीवार पर, देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थरों से इसकी दीवार बनाई गई है, टूट कर गिरने भी लगी है दीवार। और आइए चलते हैं आपको ऊपर एक्सप्लोर कराते हैं। बच्चे बता रहे हैं कि इसमें गुफा भी है। चलिए ऊपर चलते हैं, काफी सारे यहाँ पर पत्थरों से बनी होगी सीढ़ियाँ, काफी मोटे मोटे पत्थर हैं यहाँ पर। इस वाले गेट में अगर आपकी दीवारें देखेंगे तो बहुत ज्यादा टूट चुकी है, पत्थर का इस्तेमाल किया गया था और वैसा ही स्ट्रक्चर वैसा डिजाइन आपको इस गेट। देखिए दोस्तों कितने पत्थर दिख रहे हैं दीवार में। और ऊपर चलते हैं, चढ़ते चढ़ते हमारी सांस भी फूलने लगी है। लगे हम ऊपर वाले हिस्से में आ चुके हैं, देख सकते हैं इसकी दीवार का भी जर्जर हालत में है। यहाँ पे काफी सारा कूड़ा भी पड़ा है। ये इसका गेट देख सकते हैं जो टूट चुका है, गेट लगा हुआ था ये पहले, यही सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, ये रहा नीचे जाने के लिए रास्ता। दोस्तों हम फोर्ट के नीचे वाले हिस्से में जा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं काफी सारी सीढ़ियाँ बनी हुई है और पीछे काफी सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफी सारी यहाँ पर चमगादड़ आपको देखने को मिल जाती है, काफी खतरनाक है। ये नीचे वाले हिस्से में आ चुके हैं हम, ये रहा इसकी गुंबद, ये सीढ़ियां, हम चलते हैं ऊपर वापसी। देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर कितना अंधेरा है, छोटी देख सकते हैं ये काफी सारे मेरे साथ काफी सारे बच्चे, इन्होंने काफी मदद की है।
क्या कहना चाहोगा चैनल के लिए? भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं किले वगैरह की, इसलिए आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना हम कहना चाहते हैं, भाई को सपोर्ट करें कुछ ज्यादा ही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।